मौका प्रदान किया है विजय को, जिन्होंने दो छक्के लगाकर अपनी उपयोगिता यहाँ पर सिद्ध कर दी है अपनी टीम में। और इस बार क्या चाहते होने का खतरा और फील्डर क्रिकेट कीपर गेंद के नीचे है और देखिए क्रिकेट किस तरह से बना दीजिए आदित्य राइट टाइम ओवर द विकेट गेंदबाजी का क्रम जारी है कनकेश्वर एंड की तरफ से आदित्य के लिए पार दौड़ना शुरू किया हंपायर को पार किया फुल कर दिया गेंद को काफी बड़ी जिम्मेदारी एक जबरदस्त बल्लेबाज है खाड़ी पर बल्लेबाज है उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी मनीष की है पूरी तरह से यहाँ पर छक्का खाने पर मजबूर भगत के लिए ये निर्णायक गेंद है इस गेंद के ऊपर ये छक्का लगता है या डॉट गेंद निकलती है जिस तरह से इन्होंने इस मैच को जीता राइट आर्म ओवर द विकेट गोलंदाजी पुनः एकदम मनीष कुंजन ने मोटा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला चेडू सरळ क्षेत्ररक्षणाला शोधून काढतोय आणि फलंदाज इथे सुद्धा बाद होतोय कुंजनला मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे आणि मनीष नक्की सम्मानजनक धाव संख्या उभारायची असेल की मोना आपल्या संघाच्या विजयामध्ये मुलाचा वाटा आपल्याला घ्यायचा असेल तर येणं गरजेचं आहे आणि बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता चेडू ऑफ्टवर पडला थोडासा बाहेर निघाला नक्कीच चेडू मिस झाला विकेट की 44 रन हो चुके हैं देखिए गेंद इस बार गेंद के नीचे बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका है आखिरी वक्त तक उस गेंद पर नजर जमाए रखी और बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका और सचिन के पारी का खत्म होता हुआ यहां पर निकलता हुआ और उसी के बदलत थोड़े बहुत यहां पर नाराज अधिकतर है बल्लेबाज प्रसाद पाटिल प्रसाद पाटिल ने एक बढ़िया बल्लेबाजी की इस बार भी खेला बॉन में खेला जो है रुपेश गेंद के नीचे तो रुपेश के हाथों से कोई गलती नहीं होती हुई तो प्रणय के पारी का भी खात्मा होता हुआ इनिंग का खात्मा होता हुआ कुछ खर्च कर चुके हैं और तीन विकेट चटका है तो जबरदस्त आज की गेंदबाजी गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए गेंद आए नजर है फील्डर उस गेंद आहे 32 धावांच्या टार्गेट आपण बघतोय मुदतच्या समोर पहिला चेंडू सरळ जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात बघतात चांगला चेंडू चांगला फटका सुशील पुन्हा एकदा झेल पकडतो आता शेवटचे दोन चेंडू आणि अशक्य काय असं आव्हान ठेवलं आहे तर फलंदाजा समोर मानिस संघ विजयाची चाहूल टाकतोय विजय सेलिब्रेट करतोय असं चित्र माहिती एक लाईन लेन्स एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी और काफी हद तक सभी बल्लेबाजों को परेशानी में डाला था कहीं तो यही कोशिश लंबा प्रहार करना चाहा लेकिन गेंदर बल्ले का कोई समझ नहीं तो त्यांचीच वाट लागणार टाइमपास करतात ते काय झालं आउट
तेजी से बचावा यानी कि 46 रन तो 46 रन हो चुके हैं। माना जैसे कि आज गुड लक परहुरपड़ा के साथ एक मसीह जो नाम रखा गया है गुड लक, तो आज उनके साथ गुड लक भी यहाँ पर नजर आती बढ़िया तरीके से चाला की गिनती, लेकिन उसमें नाकामया होते हैं, तो किसान के बारे का काम आता है।